लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी नारे लग रहे हैं। इतना पत्थरबाजी होने के बाद भी, टेयर गैस होने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है यहाँ पे इस वक्त कि इतने सारे लोग ये अंदर तक आए, जबकि 2 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी पुलिस के द्वारा। मीडिया को भी जब गाड़ियां लाने की इजाजत नहीं थी तो इतने सारे लोग अंदर तक पहुंचे। यहाँ पर झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लठ और लकड़ियां फेंकी गई और अब इस वक्त पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। पुलिस वाले घायल हुए हैं, इधर जो लोग प्रदर्शन करने आए थे किसान आंदोलन के खिलाफ वो भी घायल हुए हैं। एक किसान आंदोलनकर्ता को जिसने तलवार चलाने की कोशिश की थी पुलिस वालों के ऊपर, दो पुलिस वालों को घायल किया था, उसको पकड़ के अब लेके जाया गया है पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि आखिर इतनी बुरी हालत होने कैसे दी गई, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि पहले इन लोग को अंदर कैसे आने दिया गया। और अभी भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि अंदर, अब इस वक्त जो अंदर किसान आंदोलन हो रहा है वहां पर नारे लगने शुरू हो गए हैं कि ये पुलिस की सपोर्ट से ये लोग अंदर आए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पुलिस वाले अफेक्ट हुए हैं। जो पुलिस का जो टेंट था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पुलिस के टेंट के बाहर जो किसान आंदोलनकारियों का जो टेंट था और जहाँ पे ये वॉशिंग मशीनें वगैरह थी उनको तोड़ दिया गया है। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी हियर दैट द पीपल इनसाइड द बैरिकेड्स, द किसान आंदोलन पीपल हु आर इनसाइड द बैरिकेड्स आर आल्सो नाउ वेरी वेरी एजिटेटेड। वहां से नारे लग रहे हैं, वहां से स्पीचें हो रही है कि हमारे खिलाफ इस तरह का किया गया। एंड यू पवन आपको दिखा रहे हैं आगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर काफी हद तक पूरी सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ हैंड हियर एंड द क्वेश्चन विल हैव टू बी आस्क्ड कि इन लोग को इतना अंदर तक आने कैसे दिया गया जब इतनी बुरी हालत हो रही है। और अब अंदर से जो किसान आंदोलनकारी इतने दिनों से हैं और वो जो इतने रोष में है, आक्रोश में है, अब वो क्या कहेंगे। लेट्स आल्सो ट्राई एंड स्पीक टू द पुलिस ऑफिशियल्स। यहाँ से जो पुलिस ऑफिशियल जो है जिनको चोट लगी है उनको यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, उनको यहाँ से बाहर लेके जाया जा रहा है। अब सर आप चले गए, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स जो है, जो जिन ऑफिसर्स को चोट लगी है उनको आप बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि आखिर ये जिनको बाहर लेके जाया जा रहा है। पवन आपको दिखा रहे हैं दूसरी साइड से, वो आपको दिखा रहे हैं उनको बाहर जिस तरह से लेके गया है। खून इतना उनके हाथ से निकल रहा है इतनी बुरी तरह से, और उनसे पूछा जा रहा है ऐसा कि ये रुमाल देखिए पूरा लहू रुमाल है, उनकी पट्टी की जा रही है, यहाँ पर रुमाल से उनका हाथ बांधा जा रहा है। यू कैन सी द विजुअल्स नाउ कमिंग इन हियर सर, स्टिच लगा कर फिर आ जाएंगे बस सर, अभी स्टिच लगा के फिर आ जाएंगे। स्टिच हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब क्या होगा, अब क्या अगला स्टेप होगा? कुछ है, कोई स्टेप नहीं अभी। आपको कितनी चोट, क्या क्या चोट आई है सर, एक बार दिखा दीजिए। दिख रहा है आपको मैडम, अलीपुर थाने के SHO है ये, जिनको चोट लगी है तलवार से, उनके हाथ में कट आया है, जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर खड़े रहेंगे क्योंकि ये यहाँ से जाने को इस वक्त तैयार नहीं है। सीनियर ऑफिशियल जो है यहाँ पर अभी भी खड़े हैं, ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि आसपास यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप इतने देर से ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूस जिस तरह से झड़प हुई, जिस तरह से ये लोग अंदर आए, पत्थर चले, तलवार चली, और अब ये जो सीनियर ऑफिशियल SHO अलीपुर जो है इनको इतनी जोर की चोट लगी हुई है, और लेकिन ये यहीं पर खड़े हैं अभी और कह रहे हैं कि हम यहाँ से अभी नहीं जाएंगे जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है।